तो क्या चल यार, तुम्हारा भाई आ चुका है नई वीडियो के साथ वापिस। और ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक बंदे से कर रखा था टीम अप, और यो आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं उतर चुका था स्टेडियम में, और स्टेडियम में मेरे अलावा कोई बंदा नहीं आया। पता नहीं क्यों भाई, स्टेडियम बंदे आते नहीं है, आते हैं बट कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो यार यहाँ से मैं थोड़ा लूट रहा था, क्योंकि मेरे को भाई अभी लूट चाहिए, तभी ना आपको क्लच देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लूट रहा था, और मेरे को मतलब यहाँ पे गन M4 तो मिल चुकी थी, और यहाँ पे हेलमेट वेस्ट की ज़रूरत था। तब तक मैं सोचा कि अभी यहाँ पे लूट ही रहा था, तब तक मैं ऊपर गया तो एक बग्गी निकली यहाँ से। और इस बंदे को मैंने क्या ही नॉक किया, मतलब वो बंदा जा रहे थे पता नहीं कहाँ पे, और इनको मैं इजीली पता नहीं कैसे बड़ा स्प्रे लग गया गलत। तो फिलहाल इन बंदे को नॉक कर दिया था, और इसका लास्ट बंदा था जो रिवाइव दे रहा था बग्गी के पीछे। तो यहाँ से मतलब लगने वाली थे नहीं थी बुलेट, तो यहाँ से मतलब उन पर जाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं उन पर जा रहा था। लेकिन अगर ये स्प्रे आप लोग को पसंद आया हो तो यार वीडियो कर दे लाइक, और चैनल पे ना हो तो चैनल कर दे सब्सक्राइब। तो यार इसके पास चलते हैं और इसको पेलते हैं। हालांकि ये बंदे भाग नहीं रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था मैं हैकर हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर से मैंने स्प्रे मारा था इस बंदे के ऊपर, और इस बंदे पे हेलमेट ना वेस्ट कुछ नहीं था, इसलिए 2 से 3 गोलियों में ये नॉक हो गया था। और ये बंदे यहाँ पर रिवाइव दे रहे थे। और इस बंदे पे गन नहीं थी तो मैंने भी इसको नहीं मारा, तो उसके बाद से इसने कुछ ये बोला, और इस बंदे ने मेरे साथ कर लिया था टीम अप। तो हालांकि मैं सोच रहा था भाई, मैं इसको बोल भी रहा था भाई अपने टीममेट को रिवाइव दे दे, लेकिन ये बंदा शायद इसको हिंदी नहीं आ रही थी, क्योंकि इसने बोला भी था, बात की थी मैंने इससे, तो ये बोला था भाई मेरे को हिंदी नहीं आती है। तो फिलहाल मैं इसको हेल्थ दे रहा था, क्योंकि इसको भी 1-2 गोलियां लगी थी, और मैं बोला था भाई इसके टीममेट को रिवाइव दे, लेकिन ये दे ही नहीं रहा था पता नहीं क्यों। तो फिलहाल मैं सोचता हूँ भाई यार इसको छोड़ के निकल जाऊँ, क्योंकि यार मेरे को गेम प्ले रिकॉर्ड करना था, लेकिन ये बंदा मतलब ना बोल रहा था ना कुछ कर रहा था, तो मैं यहाँ पर इसको छोड़ के निकल जाता हूँ यहाँ से। और मैं सोचता हूँ कि ये दूसरी बग्गी लेके भाग जाऊँ, तब तक वो बंदा मेरे पीछे आ रहा होता तो भाई मतलब मेरे को दया आ जाती है, क्यों ना इस बंदे को अपने साथ रख लो। तो इस बंदे को मैं फिलहाल अपने साथ रख लेता हूँ, क्योंकि क्या पता आगे जाके ये बंदा काम ही आ जाए। तो ये काम तो आता है, लेकिन अभी इस पर गन वन नहीं होती है, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर लूट देता हूँ अच्छी खासी। इसको लूट मिल गई होती है, और सामने कुछ बंदे आ जाते हैं तो उनको मारना तो बनता था, क्योंकि मेरे टीममेट पर भी आ चुकी थी गन। और ये तो फिलहाल बोट था, इसके आगे थे बंदे, तो मैं यहाँ पे बग्गी उठाने चला जाता हूँ, और बग्गी से इन पे रश करेंगे यार, ऐसे नहीं बग्गी से जाएंगे मैं और ये, कतई मज़ा आ जाएगा, दो जने आराम से खेलेंगे। तो सामने काफ़ी ज़्यादा भसर मची हुई थी, और यहाँ पे देखना मतलब मेरे साथ इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ, समझ नहीं आएगा भाई ये टीम अप वाला कौन सा बंदा है और बाकी बंदे कौन है, मतलब यहाँ पे इतना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा क्या ही बोलूँ मैं। और यहाँ पे मतलब अलग अलग दो डुओ था, अलग अलग था, तो यहाँ पे पूरा मतलब कन्फ्यूजिंग हो रखा था मेरे को। और इस बंदे को नॉक किया, और अंदर जाके इसने इसको एस्केट वाला भर दिया, मेरे को नहीं पता भाई वो शायद अंदर ही छुप रखा था ये बंदा, भाई यार क्या ही बोलें। तो यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को साउंड वगैरह आ रहे थे, मतलब यहाँ पे आसपास मेरे काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई मेरा टीममेट बचा है कि मर गया। तो ये बंदे पे मतलब ये इस बंदे को शायद मेरा साउंड तक नहीं आया होगा कि ये बंदा मतलब ये कोई बंदा ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने टीम, मेरे को लग रहा था मेरा टीममेट मर चुका है, लेकिन वो अभी बचा होता है, मैं उससे बात किया यहाँ पे, तो वो बोलता है हाँ भाई अभी ज़िंदा हूँ। तो यार अब जिंदा है तो किसी पर टेंशन नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं अपने टीममेट का किल चुरा लेता हूँ, वो बेचारा नो करता है और मैं उसका किल ले जाता हूँ। तो फिलहाल अब यहाँ पे थोड़ी सी लूट करनी थी हम लोगों को यार, क्योंकि यहाँ से अब भी यहाँ पे बंदे एक भी नहीं बचे थे, कोई बंदा नहीं बचा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब पूरा खाली हो गया था, कुछ मेरे टीममेट ने मारे थे, कुछ मैंने मार दिए, तो यहाँ पे इजीली सब फिनिश हो चुके थे। तो यहाँ से अब हमको निकलना था, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी लूट कर रहे थे हम लोग,
और लूट करके भाई हमने उठा ली अपनी कार और कार लेके निकलते हैं यहाँ से। और मैं सोच रहा था भाई क्यों ना चोर के चल निकल जाऊंगा बेटे टी वेट को, लेकिन यार वो आई रहा था मेरे पीछे पीछे, क्या ही बोलूँ इसको, तो ये मेरे पीछे पीछे लगा हुआ था कितनी देर से, तो यार इसको तो अब ले जाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं इसको बैठा के आ जाता हूँ सामने, क्योंकि सामने मतलब जोन में कि और जोन में बंदे भी थे आगे सामने। तो यहाँ पे फिलहाल ये दो बोर्ड मिलते हैं, तो सबसे पहले इस बोर्ड को ठोकते हैं। एक बोट को मेरा टीममेट मारता है और एक बोट को मैं मार देता हूँ, और इसको इधर बुलाता हूँ क्योंकि यार क्या पता गलती से अगर थोड़ी सी का कार्ड टच होती है तो आपको पता है कि बंदे मर जाते हैं। तो फिलहाल मैं इसको बैठा कर निकल लेता हूँ सामने, क्योंकि सामने बंदे फाइट वाइट हो रही थी, तो यहाँ पे मतलब बंदे थे, तो मैं यहाँ पे आके कार रोक लेता हूँ अपनी यहीं पर, क्योंकि सामने काफ़ी दंगे फसाद हो रहे थे। तो यार अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, क्योंकि यार काफ़ी सामने बंदे फाइट कर रहे थे, तो यार यार सिंपली हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई कब इनकी फाइट ख़त्म हो। और यहाँ पे मेरा टीममेट चला जाता है इन पे रश करने के लिए, तो मैं भी चला जाता हूँ यार, और एक बंदा मेरे को दिखता है सीढ़ियों पे बैठा हुआ। तो असल में ये बंदा लूट कर रहा था और दूसरे बंदे को देखो। और यहाँ पे मतलब मेरा टीममेट को ये मार देता है, हालांकि एक दो गोली में तो मैंने भी मार दी थी अपने टीममेट को, गलती से लग गया था वो, मेरे को भी नहीं पता चला भाई ये दोनों साथ में आ गए थे, तो समझ नहीं आ रहा था भाई किसको मारूं, इसलिए मैंने अपनी फायरिंग भी रोक दी थी। लेकिन फिर भी यार मेरा टीममेट यहाँ पे मारा जाता है, और वहाँ आया तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब मेरे को बद्दुआ लग जाता है आगे, मतलब इस गेम प्ले मतलब चिकन तो होता नहीं है, आगे जाके मतलब मर जाता हूँ। तो फिलहाल वो चीज़ आप लोग क्या दिखानी ना, तो यार शुरू ये बात कर लेते हैं इस वाले गेम प्ले की, क्योंकि ये दूसरा गेम प्ले। तो फिलहाल ये मैं उतर जाता हूँ ओल्ड में, और ओल्ड में मतलब काफ़ी बंदे आ गए होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ढूंढ रहा था गन, और भाई गन के नाम पे यहाँ पे गन मिल नहीं रही थी मेरे को, तो यहाँ पे फाइनल मेरे को एक भी मिल चुका था, और यहाँ पे बंदे भी थे, दो जन थे और दो जन उधर से मार रहा था मेरे को कोई, तो कुल मिला के इधर दोनों तरफ से बंदे थे। तो यार मैं सोचता हूँ कि ना ऊपर वाले पे रश किया जाए, तो भाई इसके एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, और बचा होता सिर्फ लास्ट बंदा, और मेरे को पता होता भाई ये बंदा वहीं पे रिवाइव देगा, तो मैं यार वहीं पे फ्री फायर देते हुए घुस जाता हूँ, और इजीली इन दोनों को तो मैं फिनिश कर देता हूँ। लेकिन जो सामने वाले बंदे थे वो मेरे पे आ रहे थे रश करने के लिए, तो मैं उनका सीढ़ियों पर वेट कर रहा था भाई कब कोई बंदा आए कि मैं पेलूँ, वैसे ही इसका दूसरा बंदा आ जाता है, और इस बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, और इसका दूसरा बस बंदा होता है वो भी यहीं पे आके रुक जाता है। अगर ये बंदा ऊपर आया होता तो इसको भी मार देता मैं, लेकिन ये भी चला के दे देता है वहीं पे रुक जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी ना छोड़ने वाला हूँ मैं, तो इसको घुस के मारेंगे। और इन दोनों को तो इजिली मैं निपटा देता हूँ, और यहाँ पे इस बंदे का पता नहीं क्या नाम था, ILL पता नहीं अजीब सा तो नाम था कुछ इसका। तो फिलहाल यहाँ से मैंने उठा ली बग्गी, और बग्गी उठा के मैं आ गया इधर। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी बंदे थे और सब तरफ से पड़ रही थी, मतलब पीछे से भी कोई मार रहा था और सामने बंदे थे ही थे। तो यार सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि ना सामने वाला बंदे को देखा जाए, और इसके एक बंदे को डैमेज देता हूँ, लेकिन ये लोग लेट जाते ऊपर। और मैं यहाँ पे सोच रहा होता हूँ भाई इनका कोई एक बंदा गलती करे कि मैं उसको नॉक करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बंदा कोई गलती नहीं करते। फिलहाल यहाँ पे एक कार आ जाती है, तो कार वाले मतलब मेरे पे आ जाते हैं, तो यार यहाँ पे मतलब इन लोगों का पेलना है सबसे पहले, तो इसको बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, और इसका एक बंदा नॉक हो चुका था और दूसरा शॉटगन चला रहा था, तो यहाँ पे शॉटगन से थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि बहुत डैमेज है शॉटगन का।
और ये बंदा बाहर जाता है, वैसे इसको कोई ओम वाला मार रहा होता है, तो ये दोबारा से अंदर आ जाता है मेरे मुंह के सामने। तो फिलहाल इन दोनों को तो मैं इजीली पेल देता हूँ, और बाकी जो बंदे बचे हुए हैं अभी वो सामने हैं, और मैं वहाँ पे वहीं पे पीक लेकर देख रहा था कि कोई दिखे। और सामने ये बंदा खोपड़ी दिखाता है, तो इस बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे यही सही मौका था इन पे रश करने का, क्योंकि ये एक बंदा रिवाइव दे रहा होगा और एक बंदे को तो हम पेल ही देंगे। लेकिन इसको भी पेलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस पे थी SK-12। और SK-12 मतलब मेरे पे भी MK थी यार, ऐसी बात नहीं है। और फिलहाल इन दोनों को तो भी मैं पेल देता हूँ, और जो सामने जो बंदे बचे हुए हैं वो तो भाई बचे हुए हैं, फाइट ले रहे हैं आपस में। तो फिलहाल यहाँ पे मैं हेल्थ वेल्थ उठा के निकल आ जाता हूँ ये सामने वाले घर में, और सामने सिर्फ दो ही बंदे बचे थे जो ओम चला रहे थे। तो यहाँ पे सिंपली इन लोगों का वेट करना था मेरे को कि कब ये ओपन में आए कि मैं भरूँ। लेकिन एक बंदा आता है ओपन में, और इस बंदे को मैं मार रहा होता हूँ तभी कोई मेरे को ओम चिपका देता है। तो यहाँ पे मतलब इसी के टीममेट ने मारा होगा। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात यह है कि ना यहाँ पे मेरा हेलमेट डैमेज होता है ना वेस्ट, और ये बंदे मेरे क्लोज आ गए होते तो एक मोली खींच रहा होता है, तो मैं भी यहाँ पे एक नेड खींचता हूँ। और मैं फेंकने वाला होता हूँ कि तभी ये लोग मेरे क्लोज आके कोई एक बंदा मोली फेंक देता है, तो मैं वहाँ से साइड हो जाता हूँ मोली अपना नेट कैंसिल करके। और एक बंदा ऊपर आ जाता है मेरे पे रश करने के लिए। तो फिलहाल एक बंदा नॉक कर देता हूँ, और बचा होता सिर्फ लास्ट बंदा। लेकिन जब मैं सच बोलूं कि जब इसने शॉटगन चलाया था ना SK-12, मेरी फट के 10 हो चुकी थी, क्योंकि भाई शॉटगन से पंगा नहीं लेना, क्योंकि शॉटगन बहुत डैमेज देती है भाई। तो फिलहाल यार इनको भी क्लच कर देता हूं मैं, तुम्हारा भाई कर देता है क्लच यार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना यार, सब्सक्राइब कर दो।